किसान अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खुद लगा सकता है और इससे 1.5 से 2 गुना पैदावार ले सकता है। इसका उदाहरण है दिल्ली में पल्ला गांव के रहने वाले युवा किसान अभिषेक धामा। अभिषेक ने अपने खेत में खुद ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा लिया, इससे इनका काफी पैसा बच गया। साथ ही जिस खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया उसमें पैदावार भी खुली सिंचाई के मुकाबले 1.5 से 2 गुना ज्यादा आई। आज अभिषेक धामा आपको अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने की तकनीक सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप ये मेरे टमाटर के खेत में जैसे देख रहे हैं, मैंने ड्रिप इरिगेशन लगाई हुई है और ड्रिप इरिगेशन लगभग 90% पानी की बचत करता है और 70% लगभग बिजली की बचत करता है। इससे हमारे खेतों में खरपतवार और दूसरा जो एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह जो जर्मी जो निकलती हैं खेत में वो इससे नहीं निकलती है। पौधों की जड़ में टप टप टपका टपक सिंचाई से पानी जाता रहता है जिससे कि पैदावार 25 से 40% बढ़ती है हमारी। मैंने अपने 1 एकड़ में जो ये ड्रिप इरीगेशन लगाई है ये मैंने खुद अपने हाथ से 30,000 रुपये के अंदर 1 एकड़ में ड्रिप लगाई है। 30,000 में भी हमारा 5,000 का एक डिस्क फिल्टर यूज़ हुआ है। अगर हमें अब और किसी भी एकड़ में अगर ड्रिप इरिगेशन लगानी है तो हमारा कुल खर्च 25,000 का आएगा। अगर हम खुद अगर ड्रिप को लगाए तो कोई भी आम किसान 4 घंटे के अंदर 1 एकड़ में ड्रिप लगा सकता है। ड्रिप लगाना कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए जैसे कि कंपनी हमें ये ड्रिप लाइन देती है, ये इनलाइन है। इनलाइन इसलिए है क्योंकि इसके में जो फिल्टर है वो अंदर लगा हुआ है इसलिए इसको इनलाइन बोलते हैं। अगर फिल्टर बाहर लगा होता तो उसको हम ऑनलाइन बोलते हैं। तो दो तरफ की इनलाइन होती हैं। जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां 13, 13.5 रुपये, 14 रुपये मीटर तक जो हमें ड्रिप लाइन देती हैं, ये ड्रिप लाइन मैंने मुंबई जलगांव से मंगवाई है और ये ड्रिप लाइन मुझे 5 रुपये मीटर कॉस्ट की है। देखिए आप बोलेंगे 14 रुपये से 5 रुपये में आपने कैसे इसको कन्वर्ट कर दिया। जो 14 रुपये या 13 रुपये की मीटर की जो हमारी इनलाइन आती है वो इनलाइन 10 साल तक चलती है, उसकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी होती है और इसकी जो लाइफ कंपनी ने रेकमेंड की है वो सिर्फ 3 साल है। जैसे कि हम देख रहे हैं डेली हर दिन हर घंटों में टेक्नोलॉजी बदल रही है तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी हिसाब से चलाना है। मान लीजिए अब मैंने ये ड्रिप लगाई हुई है, क्या पता नेक्स्ट ईयर को इससे बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए, तो हम ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार अपना सारा फंड कहीं लगा दें और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमारे पास फंड ना बचे। देखिए ड्रिप इरिगेशन के अंदर सबसे पहला चुनाव होता है पाइप का, जो आपकी मेन और सब मेन लाइन होती है उसमें आप कौन सा पाइप यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आपका समरसीवल है 7.5 HP की मोटर है तो आपको कम से कम 4 किलो प्रेशर वाला, जिसको हम पाइप की जो डिवीज़न होती है वो उसके प्रेशर से होती है कि वो कितना प्रेशर झेल सकता है। ये देखिए हमने यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का 63 mm का 6 kg/cm², मतलब 6 kg के प्रेशर वाला पाइप हमने चुना है। इससे क्या होगा कि हमारी अगर इन फ्यूचर अगर प्रेशर बढ़ जाता है कभी किसी कारणवश तो ये लाइन फटेगी नहीं। ये देखिए ये हमने प्रिंस कंपनी का अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदा है। ये पाइप 350 रुपये की एक लेंथ आती है जिसमें 20 फुट की एक लेंथ होती है जो हमारा 350 रुपये का आता है। अगर वही आप नीचे प्रकाश और अगर नीचे थोड़ा और कंपनीज में अगर जाते हैं तो आपको ये पाइप और सस्ता मिल सकता है। देखिए 1 एकड़ के अंदर ये हमें या तो 220 फुट या 198 फुट, वो आपको देखना होता है कि आप जो बेड बना रहे हैं वो किस डायरेक्शन में बना रहे हैं। जिस डायरेक्शन में बेड बनता है उस हिसाब से हमें सब मेन लाइन खेत में डालनी पड़ती है, जैसे कि ये हमने यहाँ पे सब मेन लाइन हमने डाली हुई है। तो इसके अंदर हमारा 200 से 220 फुट हमारा पाइप इसमें लग जाता है। मोटा मोटा अगर हम कहना चाहें तो 10 से हमारी 12 लेंथ इसके अंदर लग जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जॉइंट के लिए हमें एक ड्रिप लाइन, एक सब मेन लाइन को ड्रिप लाइन से जोड़ने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमारे पास PVC पाइप आ गया, उसके बाद हमें उसके अंदर एक रबड़ गोमेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये रबड़ गोमेट है, ये गोमेट का चुनाव हमारी ड्रिप लाइन के हिसाब से होता है। जैसे मेरी ड्रिप लाइन 16 mm की है तो उस हिसाब से मैंने रबड़ गोमेट खरीदा है जो 16 mm का है। उसी हिसाब से ये देखेंगे ये स्टार्ट निप्पल है, स्टार्ट निप्पल भी 16 mm का है। और ये जॉइनर, जॉइनर क्या करता है, मान लीजिए आपकी लाइन कहीं से कट गई तो बीच में वो पूरी लाइन ख़राब ना हो उस लाइन को जोड़ने के लिए ये जॉइनर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए हमने ये ड्रिल मशीन से, क्योंकि हमारी 16 mm की ड्रिप लाइन है तो हमने 16 mm का एक छेद इसके अंदर ऑलरेडी किया हुआ है और इसके अंदर अब हम सबसे पहले रबड़ गोमेट डालते हैं। देखिए
रबड़ गोमेट डालने के बाद इसके अंदर हम जॉइनर का यूज़ करते हैं। इसको हमें हाथ से प्रेशराइज करके अंदर की तरफ डालना होता है। ये देखिए, ये रबड़ गोमेट के साथ हमने जॉइनर इस पे लगा दिया है और इसके बाद हमें जो हमारी ड्रिप लाइन होती है उसको इसके ऊपर दोबारा हाँ जी, जैसे कि अब ये देख रहे हैं, ये थोड़ा जो रबड़ गोमेट है ये थोड़ा टाइट हो रखी है और टाइट होने के कारण अब इसको जैसे सर्दियों के अंदर अगर आप ड्रिप लगाएंगे तो थोड़ा गर्म पानी का आप में इसमें यूज़ करें। गर्म पानी को यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा प्लास्टिक जो नरम हो जाएगा और ये इजीली जो ये रबड़ है ये इसके छेद के अंदर चली जाएगी और ये आपकी ड्रिप लाइन यहाँ पे तैयार। और इस तरीके से आप इन चीज़ों को अगर खुद खरीद के और अपने खेतों में खुद इसको लगाते हैं तो आपका खर्च लाख सवा लाख रुपए से 25,000 रुपए में सिमट जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।